अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेके आया हूँ CDL वर्कशॉप, जिसको कहते हैं सेंट्रल डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप। रावलपिंडी में मौजूद है और गुज़िश्ता कई दहाइयों से यहाँ पे जो रेलवे के इंजन हैं वो रिपेयर होते हैं। तो किस किस्म की रिपेयर होती है, कौन कौन से इंजन यहाँ पर रिपेयर होते हैं और कैसे काम होता है, वो आज आपको बताएँगे। क्योंकि इंजन का चलना बहुत ज़रूरी है और इंजन को चलाने में रवा दवा रखने में CDL वर्कशॉप जो है वो अपना जो बुनियादी और मरकज़ी किरदार है वो अदा कर रही है। तो यहाँ के जो फोरमैन साहब हैं उनके साथ भी हम जो है वो बातचीत करेंगे और शॉप्स का विज़िट करेंगे। इसके अलावा यहाँ के जो इंचार्ज हैं वर्क्स मैनेजर, उनसे भी बात करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं CDL वर्कशॉप के अंदर और आपको दिखाते हैं। फाकित अली है, मैं इलेक्ट्रिक फोरमैन हूँ, यहाँ CDL वर्कशॉप है और यहाँ पे हूँ 2006 से। मेरे साथ हैं इंजीनियर रिजवान साहब, ये सब इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिकल डीजल के, और मेरे साथ हैं काशिफ साहब, LIO हैं। तो दोस्तों अभी आपको स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है CDL वर्कशॉप का वो बताएंगे। सबसे पहले आपको हम जो पहला स्टेप है उस गेट के ऊपर लेके आए हुए हैं जहाँ से ये लोकोमोटिव CDL वर्कशॉप के अंदर दाखिल होगा। ये देखें गेट अभी बंद है और लॉक लगा हुआ है, सील है। सेफ्टी के हवाले से ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो ये लोकोमोटिव कुछ ही देर में CDL वर्कशॉप में दाखिल होगा। तो बाकी का जो प्रोसीजर है वो हम यहाँ जो फोरमैन है उनसे पूछते हैं कि क्या होगा। जी रफाकत साहब, एक और आपका, वालेकुम अस्सलाम, एक मरीज़ आ गया आपका। और ये बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की रिपेयर होती हैं, एक है क्लासिफाइड प्रोग्राम और दूसरा होता है नॉमिनेटेड रिपेयर। इस वक्त जो आप इस ये लोकोमोटिव देख रहे हैं ये 8060 हिटाची लोकोमोटिव है और ये मेन बेयरिंग एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास आ रहा है। यानी कि पीरियोडिक इसकी है जो रिपेयर है, अपना मुद्दा पूरा कर लिया है, नॉमिनेटेड रिपेयर है। पीरियोडिक का जो है ना वो फर्दर स्टेप है वो हमें दिखाते हैं। ये स्पेसिफिक नॉमिनेटेड रिपेयर है फॉर मेन बेयरिंग एग्जामिनेशन। यानी कि चलते हुए इसके कहीं फॉल्ट आ गया है तो फिर इसको यहाँ भेजा गया है। जी जी, और वो ऐसी रिपेयर है जो बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ दैट डिवीजन होती है, जो कंसर्न डिवीजन वो नहीं कर सकते, वो फिर हमारे पास भेजते हैं कि आप इसको जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो रफाकत साहब, ये 8060 जो HP20 है ये किस स्टैंड से आपके पास आ रहा है? ये कुंदिया बेस लोकोमोटिव है और ये कुंदिया से जो है ना ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी रफाकत साहब, अब आप नेक्स्ट स्टेप जो है वो बताएं। गेट से इंटर हो गया जब तो ये हमारा CIR सेक्शन है, चीफ इंस्पेक्टर आर्मी करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ जो है ना फॉल्टी है, क्या क्या चीज़ रिप्लेस होने वाली है और क्या क्या इसकी रिपेयर्स होने वाली है, ये रिपोर्ट अपनी बना लेते हैं और फर्दर कंसर्न सेक्शन को उससे आगाह कर देते हैं कि ये चीज़ें इसमें चेंज होने वाली हैं और ये इसमें काम होने वाला है। आलदू के उसका पीछे से भी एक लेटर आया होता है DME कुंदिया की तरफ से कि इसको हम इस काम के सिलसिले में भेज रहे हैं, लेकिन इसको यहाँ पर जो है ना CIR सेक्शन थॉरली चेक कर लेता है कि फर्दर इसमें और स्टेप्स क्या होने हैं, किस चीज़ की शॉर्टेज है, क्या हमने इसमें और चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो उस हिसाब से ताकि एडवांस पे हम जो है ना वहाँ पे कंसर्न सेक्शन उस चीज़ को जो है ना वो अवेल कर सकें और टाइमली उसको जो है ना वो कन्वे कर सकें। इंजन लोकोमोटिव जब इंटर होता है, इंटर हो गया, डिफिशेंसी नोट हो गई, तो उसके बाद ये ट्रवर्सर है, ये इसकी फोर वे मूवमेंट है, रिवर्स फॉरवर्ड इस तरह आगे पीछे और दूसरा इस साइड पर और इस साइड पर। इंजन को हम ट्रेवर्सर पे चढ़ा लेते हैं, ट्रेवर्सर पे चढ़ा के फिर ये चला जाता है ER सेक्शन। नेक्स्ट हमारा ER सेक्शन है, लोकोमोटिव ट्रेवर्सर पे आ गया है यहाँ पे, तो ये इरेक्टिंग सेक्शन है, इस इरेक्टिंग सेक्शन में इंटर हो जाता है और यहाँ पे इस इन लोकोमोटिव की कंप्लीट स्ट्रिपिंग होती है। सादा लफ्जों में अगर कहें तो हम उसको जो है ना उसका इंजन पिंजर खोल देते हैं, उसका हर पार्ट जो है ना वो अलहदा हो जाता है, वो अपने सेक्शंस को जो है ना वो चला जाता है, वहाँ से ओवरऑल होकर दोबारा हमारे पास आता है, फिर हम दोबारा उसको यहाँ पे जोड़ते हैं, असेंबल करते हैं। दिस इज रिजवान अहमद खान इन फ्रंट ऑफ यू।
ये हमारा ईयर सेक्शन, ईयर स्टैंड फॉर इरेक्टिंग सेक्शन। यहाँ पर मेन जो हमारा काम होता है तो ये लोकोमोटिव आया 8035, ये शेड्यूल का क्लासिफाइड शेड्यूल के लिए आया हुआ है हमारे पास। अच्छा, लोगों की आसानी के लिए बता देंगे क्लासिफाइड शेड्यूल उसका क्या मतलब है? क्लासिफाइड शेड्यूल्स ये होते हैं कि जिस तरह हर चीज़ की, हर मशीन की स्टेप बाई स्टेप ओवर हॉलिंग होती है, ओवर हॉलिंग पीरियड्स होते हैं 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद, तो जो हमारा क्लासिफाइड शेड्यूल होता है लोकोमोटिव्स का, वो हमारा 3 ईयर्स के बाद और 6 ईयर्स के बाद। जब 3 ईयर्स के बाद होता है वो C2 यानी क्लासिफाइड 2 के नाम से हम उसको जानते हैं, और C1 वो 6 ईयर्स के बाद। इसमें ये होता है क्लासिफाइड शेड्यूल में कि जब लोकोमोटिव हमारे पास बेस शेड से आता है, जिस तरह ये लोकोमोटिव हमारे पास आया हुआ 3835 हिटाची लोकोमोटिव है, ये अभी इसका फर्स्ट स्टेप ये होगा जब ईयर में प्लेस्ड हो जाता है, इसके बाद स्ट्रिपिंग प्रोसेस, स्ट्रिपिंग मीन्स फॉर डिसअसेंबलिंग, यानी कि इसका कंप्लीट सबसे पहले कार बॉडी, यानी कि इसकी जो बॉडी है वो डिसअसेंबल होगी, वो रेलिवेंट सेक्शन में चली जाती है, कार बॉडी सेक्शन में। इसके बाद इसके इंजन रूम आ जाता है, इंजन रूम में जनरेटर और इंजन प्लेस्ड होता है, फिट हुआ होता है, उसको हम डिसअसेंबल कर लेते हैं, तो इंजन है वो RM सब सेक्शन में चले जाता है और जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिकल शॉप में चले जाता है। इसके बाद इसमें जो ट्रक है, जो बोगी ट्रक जिसको हम कहते हैं, वो सामने शॉप है बोगी ट्रक, वहाँ चले जाता है। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल आइटम जो होती है, जिस तरह कंप्यूटर लगा होता है या रिलेज हो गई, इलेक्ट्रिकल से चीज़ें जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकल सेक्शन में चली जाती हैं। और जो ब्रेक रिलेटेड जो आइटम्स होती हैं वो हमारे सामने बिल्कुल शॉप है, रिकंडीशनिंग मैकेनिकल कंपोनेंट शॉप RMC जिसको कहते हैं, वहाँ पर चले जाता है। ये सारा तो हमारा प्रोसेस हो गया डिसअसेंबलिंग का प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक इसका जो फ्रेम रह जाता है उसकी क्लीनिंग होती है हमारे पास। यहाँ पर क्लीनिंग प्रोसेस हमारा यहाँ सर्विस, जिस तरह गाड़ियों की सर्विस होती है ना, उस तरह हमारे पास पूरा क्लीनिंग सेक्शन है, वहाँ पर उसकी वॉशिंग एंड क्लीनिंग होती है प्रॉपर। 2-3 दिन वो स्पेंड करते हैं। कंप्लीट C1 जो होता है ये 32 डेज में होता है, और जो C2 होता है वो 24 डेज में होता है, और उसके लिए भी तकरीबन यही प्रोसेस हम रिपीट करते हैं। तो ये सारा कुछ इस सेक्शन में होता है। नहीं दोस्तों, लोकोमोटिव आपको एक नज़र आ रहा है डिसमेंटल हुआ हुआ, और फ्रेम इसका रह गया है, बाकी जो प्राइम मूवर, जनरेटर और इसके अलावा बाकी जो सामान है इसका वो उतार लिया गया है। और आप ये देखेंगे बिल्कुल जो है वो आखिर में कैब रह गई है या कुछ इलेक्ट्रिक जो है इक्विपमेंट रह गए हैं। तो बाकी हम रिजवान साहब से पूछते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। जी रिजवान भाई, अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये हिटाची लोकोमोटिव है, इसका इस वक्त स्ट्रिपिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसकी फिटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सही है, अभी फिटिंग प्रोसेस, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र हैं फरोख सलीम साहब, ये आपको नेक्स्ट आपको ये बताएंगे कि ये इसी सेक्शन में काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल सेक्शन में रहते हैं। ये बताएं जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फरोख साहब? ठीक ठाक। अभी आप कर क्या रहे हैं इसके साथ, क्या हो रहा है? अभी ये हिटाची लोकोमोटिव यहाँ था शेड्यूल के लिए, तो इसकी स्ट्रिपिंग हो गई थी, अब इसका फिटिंग का अमल जारी है। सभी आगे से सारे लड़के लगे हैं, इलेक्ट्रिकल के जो कंपोनेंट्स वगैरह जो भी हैं वो हमारे पावर कंट्रैक्टर वगैरह वो फिट कर रहे हैं। मतलब कि डिसमेंडिंग के बाद अभी जो वायर हमारी रिपेयरिंग वाली थी वो हम उसको हमने वो रिप्लेस कर दिया है, और जो जो चीज़ें हमें उसकी सर्विसेबल मिली वो हमें इसके भी फिटिंग कर रहे हैं। इसमें भी अभी आगे आ जाए, ये इसका सारा हाई सर्किट था, इसकी लीडें ये पुरानी है, ये सब ठीक है, ओके है। तो ये हमारे जो, यानी कि अभी ये वायरिंग का काम हो रहा है? जी, वायरिंग का काम हो रहा है इलेक्ट्रिकल की, क्योंकि अभी यूनिट नहीं आया, अभी हमारी तरफ से ओके हो गया, तो हमने यूनिट वालों को ओके दे दिया, तो अभी इसके ऊपर यूनिट आज रख देंगे इसके ऊपर। यानी कि प्राइम मूवर की आप बात कर रहे हैं, डीजल इंजन प्राइम मूवर की बात? सही है, ठीक है। उसके साथ जनरेटर, दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो ये हिटाची लोकोमोटिव है इसकी दोबारा से अब इसको बनाना शुरू कर दिया है, और सबसे पहले जो इसके इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं जिसमें इसकी जो वायरिंग है उसके ऊपर काम हो रहा है अभी, और उसको फिट किया जा रहा है, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो इसका प्राइम मूवर इसके ऊपर अटैच किया जाएगा, और उसके बाद फिर जनरेटर, और स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम आगे चलेगा। तो दोस्तों आपने दूसरा स्टेप देख लिया स्ट्रिपिंग का, जिसमें तमाम जो है फ्रेम रेडी है और इलेक्ट्रिक का काम जो है वो उसके ऊपर स्टार्ट हुआ है, और नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है वो हम पूछते हैं रफाकत साहब से। रास्ते पे ये हमारे पास लोकोमोटिव है रोड़ी बेस RG 24 5219, इस पे फिटिंग का काम जारी है, जिसमें यूनिट इंजन डीजल इंजन रख दिया गया है, उसके बाद उसके जो मेन पार्ट्स वो भी रख दिए गए, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 5219 RG 24 जो कि रोड़ी बेस्ड लोकोमोटिव है, इसके ऊपर जो डीजल इंजन है इसका
वो अटैच कर दिया गया है। तो बाकी अब रफाका साहब बताएंगे हमें। ये डीजल इंजन है, ये इस पर रख दिया गया है। इसके साथ जो है ना वो अल्टरनेटर है, कपल कर दिया गया है। तीसरे स्टेप के ऊपर कंप्रेसर है, वो अभी इसकी जो है लेवलिंग और अलाइनमेंट वो प्रोसेस इसका जारी है। सही है। और रेडिएटर फैन और रेडिएटर फैन वो कंपार्टमेंट है, वो उसकी फिटिंग अभी जो है ना वो प्रोसेस में है। इलेक्ट्रिक कंपार्टमेंट एरिया है जिसमें पावर कंटेक्टर है, रिवर्सर है और लाइटिंग रजिस्टर्स हैं। ये सारी चीज़ें इस पर इंस्टॉल हो गई हैं इस वक्त? ये इस वक्त इसके ऊपर इंस्टॉल हो गई हैं और फर्दर इसकी जो प्रोसेस है फिटमेंट का वो शुरू है। वो शुरू है इसके ऊपर। तो इसके बाद रफाका साहब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या होता है इसके बाद? उसके बाद जो हमारा प्रोसेस है फिटिंग जब आपकी कम्प्लीट हो गई है तो हम उसको जो है ना वो मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग का प्रोसीजर है उसमें थोड़ा सा उसको मूव करते हैं, फिर जो है ना उसके बाद जो है ना हम उसको रेगुलर जो है ना वो स्टार्ट का प्रोसीजर हो जाता है, शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग जब हमारी ठीक हो गई और उसमें हमें कोई इशू नहीं आया तो फर्दर जो प्रोसेस है उसका वो है रनिंग टेस्ट। सही है। रनिंग टेस्ट में हम जो है ना उसका वाटर टेम्परेचर, बेरिंग्स मुख्तलिफ स्टेप्स के ऊपर उनका टेम्परेचर और ओवरऑल इंजन की जो बिहेवियर है वो, और इसमें थर्मोस्टेट्स वगैरह की जो कैलिब्रेशन है वो, उसका प्रोसेस वो अपना किस उस पर प्रोसेस पे वो ऑपरेट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है ना ये रनिंग टेस्ट में वो कर लेते हैं। अगर हमें कोई इशू नहीं आ रहा किसी स्टेज के ऊपर तो रनिंग टेस्ट के ऊपर जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है वो है लोड टेस्ट। रिजवान साहब, अभी ये 4812GM15 जो है इसके बारे में बताएं कि ये मुझे तैयार हुआ हुआ नज़र आ रहा है। जी सर, ये 4812 ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, जिस तरह आप स्टार्ट में बात हुई थी यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स के लोकोमोटिव्स भी डील हो रहे हैं। सही है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड है और ये इसके सारे स्टेप्स तक ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुके हैं। फिटिंग प्रोसेस, उसके बाद आइडलिंग और उसके बाद रन इन टेस्ट और लोड टेस्ट भी इसका हो चुका है और ट्रायल भी हो चुका है और ये इस वक्त कंप्लीट है, बस रेडी फॉर डिस्पैच है। जिस शेड का लोकोमोटिव है उसके लिए अब ये रेडी हो चुका है और ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह आउट हो जाएगा CDL से और ये अपने बेस शेड में हम भिजवा देंगे। तो दोस्तों, AG30-6019 वन ऑफ माई फेवरेट लोकोमोटिव्स ब्लू टाइगर CDL वर्कशॉप में मौजूद है 6019। तो रफाका साहब से पूछते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पर क्या काम हो रहा है। AG30 लाहौर बेस इंजन है, 3000 horsepower, अभी फिटिंग के प्रोसेस में है जिसमें आपका डीजल इंजन रख दिया गया है, रेडिएटर फैन कंप्रेसर मोटर रख दी गई है और अवेटिंग है अल्टरनेटर के लिए, वो आएगा उसकी अलाइनमेंट होगी और इसकी फिर फर्दर जो फिटमेंट है जिसमें कार बॉडी और रेडिएटर कंपार्टमेंट वो रहता है। इसके बाद जो है ना वो प्रोसेस शुरू होगा इसका अलाइनमेंट और स्टार्टिंग का। तो अभी मेन काम सादा लफ्ज़ों में अगर बोला जाए तो इसके डीजल इंजन का यहाँ पे काम हुआ है या इलेक्ट्रिक का काम हुआ है? हम यहाँ पे ER सेक्शन में फिटिंग करते हैं, ये फिटमेंट है और उसके बाद इसका जो है ना वो स्टार्टिंग और रनिंग टेस्ट यहाँ पे होता है। अभी ये जो AG30 है 6019 ये फिटमेंट के प्रोसेस में है और तकरीबन इसकी फिटिंग जो है ना वो आधी से ज़्यादा हो चुकी है और 50% इसकी जो है ना वो रहती है अभी। तो दोस्तों, आप हमारे साथ मौजूद हैं CDL वर्कशॉप रावलपिंडी में और मौसम भी आप देखें बहुत सुहाना हो चुका है रावलपिंडी में, बरसात जारी है और हो सकता है कि कुछ बारिश की जो नॉइज़ है वो भी आपको सुनाई दे रही हो वीडियो के अंदर। तो अभी आपने देख लिया है कुछ प्रोसेस जो CDL के अंदर जो काम होता है उसके हवाले से, और AG30 जो है वो इस वक्त मेरे बिल्कुल पीछे मौजूद है और इसके बारे में भी आपने रफाकत साहब जो कि फोरमैन है उनसे सुना है। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं CDL के, जिसमें ख़ास तौर पे जो ट्रैक्शन मोटर्स का काम कहाँ पे होता है या डीजल इंजन कहाँ पे रिपेयर होता है वो चल के आपको दिखाते हैं। लाहौर बेस इंजन है GRU20, ऑलमोस्ट 60+ जो है अपनी लाइफ सक्सेसफुल गुजार चुका है, अब ये कंडेम्ड है, ये डिलीट हो चुका है। इसके पार्ट्स जो है ना हमने स्ट्रिप आउट करने हैं और जो काम का हुआ वो हमने यूटिलाइज कर देने हैं और जो काम का नहीं है वो स्क्रैप हो जाएगा। स्क्रैप हो जाएगा जी सर, यानी कि अब ये इसने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली जितनी करनी थी और ये खत्म है हमारे लिए।
तो बहुत ही एक जो है यादगार लम्हा है जी, आप भी देख लें CDL के अंदर मौजूद 5007 जो कि कुछ दिनों में जो है डिसमेंटल हो जाएगा और अपनी सक्सेसफुल जो वर्किंग है वो करने के बाद अब तमाम अपने जो गम है उनसे ये निजात पा लेगा। दोस्तों सामने आपको रावलपिंडी शेड के लोकोमोटिव PHA 20 8304 और 8301 जो कि सबसे पहला लोकोमोटिव अपने प्रोजेक्ट का जो कि 1991-92 में रिसालपुर लोकोमोटिव फैक्ट्री में बनाए गए और उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर जनाबा बेनज़ीर भुट्टो ने इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। तो ये दोनों लोकोमोटिव अभी यहाँ पीरियोडिक रिपेयर के अंदर आए हुए हैं और इनका कुछ काम हो चुका है और कुछ बाकी है। ये सामने आप PHA 20 8301 देख रहे हैं, अपनी सीरीज़ का पहला लोकोमोटिव और इसके साथ ही कुंदिया शेड का 8076 HP 20 मौजूद है जो कि नॉमिनेटेड रिपेयर के अंदर आया हुआ है CDL वर्कशॉप में और इसके ऊपर भी काम जारी है। और दोस्तों इसके अलावा आप HPU 20 8051 देख रहे हैं जिसको पूरा डिसमेंटल किया हुआ है सिवाय कैब के और ये लोकोमोटिव डेड हालत में मौजूद है यहाँ पे, जिसको दोबारा से जो है वो ज़िंदा किया जाएगा और कंप्लीट इसको तैयार करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों सामने आप प्राइम ओवर का हिस्सा देख रहे हैं जो कि एल्को प्राइम ओवर 251C और ये निकाला गया है GMU 15 लोकोमोटिव में से और इसको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो अभी जो क्रैंक शाफ्ट है उसकी जो बैलेंसिंग है वो देखी जा रही है यहाँ पे। और दोस्तों ये वाला सेक्शन जो है ये क्रैंक शाफ्ट का सेक्शन है, मुख्तलिफ किस्म की क्रैंक शाफ्ट आपको यहाँ पर पड़ी हुई नज़र आ रही हैं जिसमें एक क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक लोकोमोटिव का नंबर भी मौजूद है PHPU 20 8038। तो दोस्तों आपको GU 20 4562 का प्राइम मूवर नज़र आ रहा है CDL में मौजूद जो कि ड्यूरिंग वर्किंग 39 आप जाफर एक्सप्रेस के साथ काम करते हुए लोकोमोटिव जो है वो हिट हुआ था और उससे ये प्राइम मूवर का भी कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसका जो ये वाली साइड है ये आपको यहाँ पे डैमेज हुई भी नज़र आ रही है। बेसिकली 7FDL 12 प्राइम मूवर ये और नया वाला GU 20 की मैं बात कर रहा हूँ जो कि 2019 में 20 लोकोमोटिव आए थे USA से। तो लोकोमोटिव जो है अभी ऑपरेशनल है, उसमें नया प्राइम ओवर रख दिया गया था जबकि CDL रावलपिंडी में ये वाला प्राइम ओवर जो है वो रिपेयर किया जा रहा है। तो दोस्तों एक और आप प्राइम ओवर देख रहे हैं जो कि बेसिकली हिटाची PHA 20 का प्राइम ओवर डीजल इंजन जो कि बिल्कुल तैयार है और इसको अब जो है अटैच किया जाएगा इसके लोकोमोटिव की जो बॉडी है उसके अंदर। दोस्तों सामने आपको जो पिस्टन नज़र आ रहे हैं वो बेसिकली एल्को प्राइम ओवर जो कि PHA 20 HBU के अंदर इंस्टॉल है, तो इनके ये पिस्टन मौजूद हैं। इसके अलावा ये वाले पिस्टन आप देखें ये नीचे जो मौजूद हैं ये RG 20 का पिस्टन यहाँ पे पड़ा हुआ है इस सेक्शन के अंदर। तो मज़ीद आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि CDL वर्कशॉप के अंदर और कौन कौन से सेक्शन हैं और उन पर क्या क्या काम होता है।
दोस्तों अभी हम चलेंगे गवर्नर सेक्शन के अंदर और यहाँ रफाकत साहब से पूछेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। अच्छा रफाकत साहब, सबसे पहले तो ये जैसे मस्जिद में जूतियाँ उतारी जाती हैं, आपने भी उतार दी। सेंसिटिव सेक्शन है, डस्ट फ्री सेक्शन है। सही, तो उस पार्टिकल्स वगैरह का क्लीनिंग की आवाज़ से बहुत ख्याल किया जाता है यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है ये इसके अंदर इंजन गवर्नर सेक्शन है, ये मेन पार्ट है हमारे लोकोमोटिव का। ये जो गवर्नर है ये हमारे लोड को RPM को कंट्रोल करता है। सही है, लोड के हिसाब से उसकी मूवमेंट, जितनी ज़्यादा ट्रैक्शन है फोर्स चाहिए ये उसको जो है ना, ये इसमें मुख्तलिफ किस्म के सोलेनॉइड्स लगे होते हैं और ये नाचिस के हिसाब से उसको ऑपरेट किया जाता है। ये इस वक्त टेस्ट स्टैंड के ऊपर एक गवर्नर लगा हुआ है, कौन से इंजन के लिए है, RG 20-24 का गवर्नर है, टेस्ट स्टैंड के ऊपर है। ये इसके सोलेनॉइड है ABCD और O सोलेनॉइड उसमें होते हैं। तो अभी ये इसके गवर्नर का यहाँ पे टेस्ट हो रहा है रिपेयर के बाद। जी, इसमें आपका लूबाइल का कनेक्शन होता है, वाटर का कनेक्शन होता है, लूबाइल को सेंस कर रहा होता है, वाटर को सेंस कर रहा होता है, RPM को सेंस कर रहा होता है और ट्रैक्शन एफर्ट्स जो है ये यहाँ से इसकी कंट्रोल की जाती है। तो दोस्तों आपने प्रोसेस के बारे में सुना, गवर्नर कैसे काम करता है और उसके यहाँ पे जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं और डिफरेंट गवर्नर्स आपको नीचे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं जो कि इन लोकोमोटिव्स के हैं। तो जब इनका वक्त आएगा तो ये सारे जो हैं वो रिपेयर होंगे और टेस्ट होंगे। अच्छा रफाकत साहब, ये जो गवर्नर है इसकी वर्किंग कैसे है, यानी कि मैकेनिकल वर्क है या इलेक्ट्रॉनिक वर्क है इसका? ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल। अच्छा इलेक्ट्रो मैकेनिकल ड्राइव है, ये आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसमें आपका ये वायरिंग है और ये इसके सोलेनॉइड्स हैं जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो रहे हैं और ये यहाँ पे ये आपका मैकेनिकल का जो सिस्टम है जिसमें आपका एक एयर का लूबल और वाटर। सही है, तो ये जो है ना ये मैनुअल सिस्टम है और जो इसमें अब नया सिस्टम आ रहा है वो EFI है जिसमें ये गवर्नर जो है ना वो बाईपास है या ये इसका सिस्टम ही नहीं है। वहाँ कंप्यूटर बेस्ड है, बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड है EFI। अभी हम आए हुए हैं व्हील लेथ मशीन सेक्शन में जहाँ पे लोकोमोटिव्स के जो व्हील्स हैं उनके ऊपर बनी हुई जो ग्रूव्स हैं, यानी कि अगर आम लफ्ज़ों में कहें तो उसके अंदर जो हैं वो गलियां बन जाती हैं या वो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और जो सरफेस है वो उसका प्लेन नहीं रहता, तो उसको ख़त्म किया जा रहा है मशीनिंग के ज़रिए। ये आप देखें सामने, तो इसका जो पैटर्न है वो कैलकुलेटेड है और मैकेनिकल ड्रिवन है बेसिकली। तो आप देखें कि ये सरफेस जो है इस व्हील का वो काफ़ी हद तक जो है वो ग्राइंड हो चुका है। और ये इसके मटेरियल जो है इसके ऊपर से जो अलग हुआ है व्हील के वो आप नज़र आ रहा है आपको। व्हील शॉप के अंदर मौजूद हैं और लोकोमोटिव का एक व्हील जो है उसकी एक्सल से अलग कर लिया गया है, आप देख रहे हैं उसको लिफ्ट किया हुआ है और दूसरा जो है वो अभी लगा हुआ है एक्सल के ऊपर। दोस्तों आपको सामने ये एक्सल के ऊपर लगे हुए व्हील्स नज़र आ रहे हैं, यूट्यूब नज़र आ रही हैं, इसके अलावा आपको जो गियर है वो भी नज़र आ रहा है। तो अभी ये सब व्हील शॉप के अंदर जाके डिसमेंटल होंगे, डिसअसेंबल होंगे और उसके बाद इनका रन आउट चेक होगा, इसके अलावा जो भी इनके अंदर फॉल्ट्स हैं वो भी चेक होंगे और साथ साथ जो इसकी जो ग्रोविंग है
वो भी ख़त्म की जाएगी लेथ मशीन के ज़रिए। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रैक्शन मोटर एंड जनरेटर सेक्शन के अंदर। यहाँ पे ट्रैक्शन मोटर असम्बलिंग और डिसअसम्बलिंग दोनों काम होते हैं, और ट्रैक्शन मोटर रिपेयर जो है वो दूसरे सेक्शन में होती है। सामने आपको जनरेटर बॉडी नज़र आ रही है, और वो सामने जो है काफ़ी सारे जो हैं वो जनरेटर आपको नज़र आ रहे हैं लोकोमोटिव्स के। इसके अलावा ये मोटर्स की बॉडीज नज़र आ रही हैं आपको नीचे पड़ी हुई। सर फाकर साहब, अभी हम किस सेक्शन के अंदर मौजूद हैं? यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं अंडर ट्रक्स नज़र आ रहे हैं, तो ये बताएं कि अभी कहाँ लेके आए हैं हमें? ये बोगी ट्रक सेक्शन है। लोकोमोटिव हमारा जब इंटर होता है क्लासिफाइड प्रोग्राम या नॉमिनेटेड रिपेयर के लिए, तो वो ईआर में प्लेस किया जाता है, और उसके ट्रक बोगी निकाल के यहाँ पर ट्रक सेक्शन में भेजे जाते हैं। ये ट्रक सेक्शन है, इसमें फिर जहाँ पे इस वक्त स्ट्रिपिंग का प्रोसेस शुरू है, ट्रैक्शन मोटर्स निकाल कर ट्रैक्शन मोटर सेक्शन चली जाती है, और व्हील जो है वो अलहदा करके व्हील सेक्शन जो यहाँ से अभी हम गुजर कर आए हैं वहाँ पे दिए जाते हैं। वो फिर दोबारा जो है ना वहाँ से वो प्रोसेस होकर ओवरहाल होकर ट्रैक्शन मोटर आके यहाँ पे फिट होती है, और व्हील यहाँ पे दोबारा जो है ना हम ट्रक को असेंबल करके कंप्लीट करके फिर जो है ना वो मूव कर देते हैं आगे ईआर को, जहाँ पे ट्रक इंजन लोकोमोटिव के नीचे जो है ना वो फिट किया जाता है। दोस्तों इस वक्त हम आप समझ लें कि एक शोरूम के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पे आपको छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं। और इस शॉप का नाम है DSM, डीजर स्पेयर मैकेनिकल शॉप, और ये तमाम लोकोमोटिव रिलेटेड स्पेयर पार्ट जो हैं इसी शॉप के अंदर जो कि मौजूद है CDL के अंदर यहाँ पर बनाए जाते हैं। अभी देखें आर्मेचर शाफ्ट पड़ी हुई है, उसके अलावा वर्टिकल शाफ्ट, वाटर पंप शाफ्ट, तो ये दीगर जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो यहीं लोकली जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। बेयरिंग हाउसिंग है, दोस्तों अभी हम मौजूद हैं रेडिएटर सेक्शन में, जहाँ के रेडिएटर जो है वो वॉश किए जाते हैं, क्लीन किए जाते हैं। आपको पहले भी मैं कराची में भी दिखा चुका हूं, तो अभी आप देख रहे हैं CDL रावलपिंडी के अंदर। दोस्तों सामने आपको भट्टी नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट हुई हुई है, और इसके अंदर एक मटेरियल भी कुछ पड़ा हुआ है। तो रफाका साहब से पूछें, रफाका साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये हेल्पिंग हैंड
के नाम से शॉप है हमारी, SF शॉप। तो यहाँ पे ये फुट स्टेप है इंजन का, जो किसी हादसे की सूरत में, एक्सीडेंट की सूरत में जब वो टेढ़ा हो जाता है तो यहाँ पे उसको गर्म करके फिर हम सीधा करते हैं, हैमरिंग के थ्रू करते हैं। हैमरिंग, अच्छा। वो हमारे पास इलेक्ट्रिक हैमर है। सही इसके है। अलावा जो काउ कैचर है वो भी इसी एक्सीडेंट में कोई पासिंग के दौरान जब कोई जानवर या किसी चीज़ किसी भी चीज़ से स्टक हो जाता है, टकरा जाता है जब लाइन के ऊपर, वो टेढ़ा हो जाता है, तो यहाँ पे उसको गर्म करके फिर हम जो है ना वो सीधा कर लेते हैं। मेरा नाम खालिद वेज है, फोरमैन हूँ एसएफ शॉप। ये बफर हमारे पास आती है, ये बफर बेस है, ठीक है। इसमें ये केस आ जाता है, फिर हम इसे रिबेट करते हैं, ये रिबेट हो जाती है। इसको हम गर्म करेंगे तो फिर ये प्रेस होगी आपस में, फिर ये कपल हो जाती है, फिर हम इसके बाद ये हेड के अंदर डालते हैं, जिसका हमारा फिर बफर असेंबली तैयार होती है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ वर्क मैनेजर जनाब शहजाद जवेद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे पहले तो आपने हमें यहाँ पे इजाज़त दी काम करने की, तो शॉप्स आपकी विज़िट कर ली हैं मैंने सारी, तो आपका इंटरव्यू जो है वो बाकी था, तो आपसे ब्रीफली आप हमें ज़रा बता दीजिएगा, जिसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ है कि जो CDL है ये किस सन में बनी और इसका मेन पर्पस क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CDL वर्कशॉप सेंट्रल डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहलाती है। जब रेलवे में स्टीम एरा से हम शिफ्ट हो रहे थे डीजल साइड पर, डीजलाइजेशन आ रही थी रेलवे में, यानी कि एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट था उसमें, तो उसमें जो ओवरऑलिंग के लिए सेटअप कोई नहीं था डीजल लोकोमोटिव्स के लिए, तो उस वक्त ज़रूरत महसूस की गई 1960s में। तो 60 में स्टार्ट हुआ था इसका प्रोजेक्ट, और 65 से ये फुल फंक्शनल हो गई थी डीजल लोकोमोटिव्स की ओवरऑलिंग पर्पज़ के लिए। डीजल वर्कशॉप जो बेसिकली जो है ये ओवरऑलिंग जो लोकोमोटिव्स की होती है, डिफरेंट क्लासेस की जो लोकोमोटिव रेलवे सिस्टम में चल रहे हैं उनकी ओवरऑलिंग के पर्पज़ के लिए। सर, आपका ये मकसद बहुत लंबी चौड़ी और बहुत वसी पैमाने पे फैली हुई वर्कशॉप है, तो आपके पास कुल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज कितने हैं यहाँ? हमारे पास फिलहाल जो करंटली जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है वो 1250 के अराउंड है टोटल, और करंटली 800 एम्प्लॉयज वर्किंग, मकसद 800 लोग यहाँ पे, 800 लोग काम डिफरेंट शॉप्स में, डिफरेंट शॉप्स के अंदर उनकी मुख्तलिफ शॉप्स के अंदर वर्कलोड के हिसाब से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, यार्ड सिक्स के हिसाब से वो हम अपना पोस्टेड है, वो काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो है आजकल शिफ्ट्स में काम हो रहा है या कैसे करते हैं, या सिंगल शिफ्ट है? फिलहाल जो है हमारे जो काम है नेचर ऑफ शॉप है वो शिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तब ज़रूरत पड़ती है तो हम इनकेस कर लेते हैं, बंदे बुला भी लेते हैं, लेकिन हम डे शिफ्ट में ही करते हैं फिलहाल, सारे एम्प्लॉयज़ को डे शिफ्ट में ही इंगेज किया हुआ है। अच्छा सर, यहाँ पे जो रिपेयर के लिए लोकोमोटिव लाए जाते हैं उनका क्या तरीक़ेकार है? वो पीरियोडिक रिपेयर होती है या नॉमिनेटेड रिपेयर्स हैं या एक्सीडेंटल, किस किस्म के लोकोमोटिव आपके पास आते हैं? बेसिकली ये जो है ओवरऑलिंग क्लासिफाइड रिपेयर कहलाती है, जो लोकोमोटिव क्लासिफाइड रिपेयर होती है, OEMs की जो रिकमेंडेशन होती हैं कि एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये भी पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है कि लोकोमोटिव एक डिज़ायर एक नंबर एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स टाइम पीरियड या किलोमीटर्स, उसके बाद इन लोकोमोटिव्स की ओवरऑलिंग ड्यू हो जाती है। अब दो किस्म की रिपेयर है, एक को कहते हैं क्लासिफाइड रिपेयर 1C1, एक कहते हैं क्लासिफाइड रिपेयर 2। नॉर्मली जो क्लासिफाइड रिपेयर 1 है वो 6 साल के बाद या 1200000 किलोमीटर्स कंप्लीशन के बाद कैरी की जाती है। वो जो C2 रिपेयर है, क्लासिफाइड रिपेयर 2, ये की जाती है 3 साल के बाद या इसके 6 लाख किलोमीटर्स होते हैं जो पहले हो व्हिचएवर उसके कंप्लीट हो जाती है। सही, प्रॉपर नॉमिनेशन होती है इसकी हेडक्वार्टर से भी, और हमारे पास भी शेड्यूल हर लोकोमोटिव का रिकॉर्ड होता है, उसकी मेंटेनेंस की प्रॉपर पी फाइल, एक प्रॉपर शेड्यूल ऑफिस है जिसके अंदर हर चीज़ का रिकॉर्ड है। जैसे जैसे हमारी ये ड्यूटी भी होती है कि प्लानिंग करना कि कौन सा लोकोमोटिव कब आएगा, हम लोग हेडक्वार्टर की कंसल्टेशन से हेडक्वार्टर्स के इंटीमेशन के साथ और ये नॉमिनेट करते हैं लोकोमोटिव की अगस्त में कौन से आएंगे, सितंबर में कौन से होंगे, तो ये एडवांस पे प्लानिंग करके हम लोग ये मेंटेनेंस के लोकोमोटिव्स आते हैं इस तरह। इसके अलावा नॉमिनेटेड रिपेयर्स भी होती है इनकेस लोको शेड्स के अंदर, जो हमारे शेड्स होते हैं उनकी कैपेसिटी, कोई ऐसा खुदा न खास्ता फॉल्ट आ गया जो उनकी कैपेसिटी से बाहर हो बिफोर टाइम प्री मेच्योर, यानी मतलब 3 साल या 6 साल से पहले, तो वो लोकोमोटिव भी हेडक्वार्टर्स की परमिशन से फिर CDL वर्कशॉप भेज दिया जाए।
लेकिन हेडक्वार्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है, सीएमई लोको ऑफिस जो हमारे चुची है हेड है मेंटेनेंस के लोकोमोटिव साइट्स के, तो उनकी अप्रूवल से लोकोमोटिव सीडीएल आते हैं। तो सर सीडीएल वर्कशॉप के अंदर रावलपिंडी में ग्रुप वन और ग्रुप टू किस किस्म के लोकोमोटिव यहाँ आते हैं, कौन कौन से लोकोमोटिव? हमारे पास जो है ग्रुप वन के भी हैं, ग्रुप थ्री के भी, ग्रुप थ्री के भी इवन ग्रुप फोर भी एक लाता है, जीएमसी यू 15, जीएमई 15 1500 हॉर्स पावर वो भी है। अच्छा, 48 की फ्लीट है, वो भी शामिल है इधर टोटल। वैसे अगर आप सीरीज वाइज बता दें आसानी के लिए। हाँ एग्जैक्टली, इसमें ये है कि हमारे पास जो है एजी 30 क्लास है जो 3000 हॉर्स पावर के हैं, ये मेन फ्लीट है जिसको ब्लू टाइगर कहते हैं, और ये हमारे पास जो है ग्रुप वन की पावर। इसके अलावा PHA 20 HBU 20 अटैची क्लास है, और ये हो गए ये ग्रुप थ्री की है, RG 20 कोयटा बेस हैं, ये भी अपना ग्रुप थ्री के हैं, RG 24 एक कलाते हैं, ग्रुप वन में ही आते हैं ये RG 24 ट्रोड़ी बेस हैं सकर पे। तो ये इसके अलावा गुरु थे वो डिलीट हो चुके हैं, इसके अलावा अपना लोकोमोटिव जो हैं GMU 15 GMCU 15 ये जनरल मोटर्स के यानी कि अमेरिकन क्लास, ये भी ये सबसे ओल्ड क्लास है यानी कि हमारे पास जो है। सर आपने पुराने लोकोमोटिव्स तो बता दिए, अभी जो नए लोकोमोटिव्स हैं जिसमें जी क्लास के लोकोमोटिव हैं, GU 20 GU 40, इनका भी टाइम जो है वो आएगा एक ना एक दिन रिपेयर के लिए, तो ये क्या शेड्यूल है इनका, इनके बारे में बताइए। इनका GU 40 जो है ये इनकी जो पैरामीटर है या जिसका जो वो एक बेंचमार्क है वो मेगावाट आवर्स पे बेस करें, करंटली मेरे ख्याल से वो 13,000 मेगावाट आवर्स पे चल रहे हैं, तो 33,000 मेगावाट आवर्स जब अचीव होंगे तो इनकी मेजर शेड्यूल ड्यू हो जाएगा, इन ओवरऑलिंग ड्यू। ये तो ऑलमोस्ट अभी आप समझ लेंगे 5-6 साल अभी है, चाहिए होंगे कि कंप्लीट ओवरऑलिंग के लिए। GU 20 हैं ये, उससे बाद में आए 2 साल, 2019 में आए थे, तो अभी इनका टाइम है, उनका भी 5-6 साल तकरीबन। सही है। और एक लोकोमोटिव बच गया जिसके बारे में मकसद लोग भी पूछना चाहते हैं, ZCU का काम भी यहाँ पे होता है या नहीं होता? ZCU 2030 का यहाँ पे सीडीएल वर्कशॉप नहीं होता, ये टोटली इसको हैंडल किया जा रहा है, टोटली इसका जो काम है उधर लोको शॉप मुगलपुरा में हो रहा है, मुगलपुरा। और बाकी अगर GMU और HGMU की बात करें तो GMU 30 और HGMU 30 कराची बेस, उनकी अलबत्ता ट्रैक्शन मोटर यहाँ पे ओवरऑल होती हैं सीडीएल में, और बाकी ये जो कंप्लीट लोकोमोटिव कराची में होता है ट्रैक्शन मोटर्स के अलावा। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, थैंक यू। और दोस्तों सबसे आखिरी जो अमल होता है सीडीएल के अंदर वो होता है जब इंजन तैयार होके बिल्कुल रेडी हो जाता है, और उसके बाद फिर उसका लेते हैं इम्तिहान और उसका लोड टेस्ट किया जाता है हर तरीके से, और लोड टेस्ट के अंदर उसको मज़ीद जो चीज़ें हैं उसकी रेक्टिफाई होती हैं कि वो जो जिस मेयार के ऊपर उसको बनाया जाना था उसके ऊपर वो बना है या नहीं। तो अभी हम लोड टेस्ट पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं, और इस वक्त जो है कोई लोकोमोटिव यहाँ मौजूद नहीं है लोड टेस्ट के लिए, अगर होता तो उसका लोड टेस्ट भी मैं आपको दिखाता। तो अब हम अपनी वीडियो जो है वो ख़त्म करेंगे, और अपने हमारे जो मेज़बान हैं जिसमें रिजवान साहब और फाका साहब, इनसे इजाज़त लेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना टाइम दिया और हमें यहाँ पर विज़िट करवाया, तो इंशाल्लाह फिर भी मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।